नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सेब के बीज खाने से किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेब के कितने बीज यदि कोई इंसान खा ले तो उसकी मृत्यु हो जाए, और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेब के बीजों में ऐसा क्या पाया जाता है जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमें ऐसा बहुत ही कम सुनने को मिलता है कि सेब के बीज से इंसान की मृत्यु हुई हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सेब के बीज में साइनाइड पाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सेब की 220 का पाउडर इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। 1 ग्राम सेब में 0.24 मिलीग्राम साइनाइड होता है। 3 मिलीग्राम बीज खाने से किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। सेब के बीज में इमिग्लिन नाम का तत्व पाया जाता है, और ये तत्व हमारे इंसान के पाचन संबंधी एंजाइम्स के संपर्क में आता है तो साइनाइड रिलीज करता है। साइनाइड इतना खतरनाक होता है कि इसका टेस्ट किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि टेस्ट को बताने से पहले ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। एक व्यक्ति ने साइनाइड का टेस्ट पूरी दुनिया को बताने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने की सोची। पेन कॉपी लेकर बैठ गया, एक हाथ में पेन और दूसरे हाथ में साइनाइड। साइनाइड को जैसे ही मुंह में लिया तो उसने लिखना शुरू किया, और सिर्फ एस ही लिख पाया, जिससे लोगों ने एस से स्वीट, सोर या साल्ट का अर्थ लगाया। दरअसल साइनाइड हमारे शरीर में कोशिकाओं और ऑक्सीजन के बीच दीवार का काम करता है, और हमारे शरीर की कोशिकाएं ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकती हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। 3 ग्राम प्रति लीटर साइनाइड जानलेवा साबित हो सकता है। आतंकवादी संगठन लिट्टे अपने गले में साइनाइड से भरा हुआ लॉकेट बांध के रखते थे ताकि पकड़े जाने की स्थिति में उसे खाकर तुरंत मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। साइनाइड का स्वाद हल्का कड़वा टाइप में होता है। यदि हम सेब के बीज को खा लें फिर भी हम लोग नहीं मरते, क्योंकि यदि गलती से हम बीजों को निगल भी लें तो भी बीजों की भारी लेयर इतनी ठोस होती है कि अंदर का साइनाइड बाहर नहीं आ पाता है। पाचन क्रिया के दौरान भी पूरा बीज हमें बिना नुकसान पहुंचाए मल के द्वारा बाहर आ जाता है और हम बच जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।